नेहा कक्कड़ हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर सिंगर में से एक है। नेहा कक्कड़ आज के दौर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली सिंगर्स में से एक बताई जाती हैं। तो आज इस बॉलीवुड सफरनामा में हम आपको नेहा कक्कड़ के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नेहा कक्कड़ का जन्म 6 जून 1988 को उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था। टैलेंटेड गायिका नेहा जब 4 साल की थी तभी से उन्होंने धार्मिक भजन गाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने बताया था कि उनके परिवार को चलाने के लिए उनके पिता कितनी मेहनत किया करते थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो गाने को लेकर अपनी बड़ी बहन से प्रेरित हुई थी। नेहा के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनकी एक बहन और भाई भी हैं। उनके पिता का नाम ऋषिकेश कक्कड़ है जो पेशे से एक गैर सरकारी संस्था में काम करते हैं और उनकी माता का नाम नीति कक्कड़ है, वो एक हाउसवाइफ है। नेहा कक्कड़ के भाई का नाम टोनी कक्कड़ है जो एक म्यूजिक डायरेक्टर है। टोनी ने भी बॉलीवुड में कई गाने गाए हैं और उनकी बहन का नाम सोनू कक्कड़ है, वो भी एक गायिका है। नेहा की पढ़ाई दीक्षा दिल्ली में हुई। उन्होंने दिल्ली के न्यू होली पब्लिक स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई पूरी की। जब वो 11वीं में थी तब उन्होंने एक रियलिटी शो में भाग लिया था और बाद में गाने की तरफ झुकाव और व्यस्तता की वजह से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। 2006 के टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल 2 में नेहा ने भाग लिया था। साल 2008 में नेहा ने मीत ब्रदर्स द्वारा कंपोज्ड एल्बम नेहा द रॉक स्टार से अपने गाने की शुरुआत की। गाने के साथ ही उनका डांस और मॉडलिंग की तारीफ भी हुई। नेहा ने बॉलीवुड में कई हिट गाने दिए हैं। वो कई तरह के लाइव शो भी कर चुकी हैं और साथ ही वो जगराता में भी गा चुकी हैं। नेहा के 1000 से भी ज़्यादा लाइव शो है। इसके अलावा नेहा यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। यूट्यूब पर नेहा के करोड़ों फैंस हैं। नेहा कक्कड़ के करियर की शुरुआत रियलिटी शो से हुई थी। नेहा कॉमेडी सर्कस के तानसेन में भी काम कर चुकी हैं। वो स्टार प्लस पर आने वाले शो जो जीता वही सुपरस्टार में भी भाग ले चुकी हैं और कलर्स पर आने वाले पॉपुलर शो का शीर्षक गीत भी गा चुकी हैं, जिसके बोल थे ना आना इस देश मेरी लाडो। पंजाबी में उनके 2 गाने सबसे ज्यादा पसंद किए गए, जिसके बोल थे जैगवार ते प्यार और वे रंजा वे माहिया। फिलहाल नेहा कक्कड़ जी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो सारे गामा लिटिल चैंप्स के सीजन 6 में जज के तौर पर नजर आ रही हैं। इसके बाद अब आपसे बात करते हैं नेहा के कुछ पॉपुलर गानों के बारे में और उन्हें मिले पुरस्कारों के बारे में। गानों की बात करें तो काटा लगा, खड़ तैनू मैं दस्सा, ख्याल रख्या कर दिलबर, सोना सोना गली, तेरी आंखों में दिखता जो प्यार मुझे, तू ही प्यार मेरा, तू ही यार मेरा, निकले करण तारों के शहर। और पुरस्कारों की बात करें तो साल 2015 में सुपर चॉइस म्यूजिक अवार्ड, साल 2020 मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, साल 2019 व्यूअर्स चॉइस सॉन्ग ऑफ द ईयर, जी रिश्ते अवार्ड आदि कई पुरस्कारों को नेहा अपने नाम कर चुकी हैं। अब बात करते हैं नेहा से जुड़े कुछ रोचक बातों के बारे में। एक इंटरव्यू के दौरान नेहा कक्कड़ ने ये बताया था कि वो किसी तरह के अल्कोहल का सेवन नहीं करती हैं। नेहा ज़्यादातर सूफी गानों को पसंद करती हैं और नेहा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि विराट कोहली नेहा के गानों को बेहद पसंद करते हैं। नेहा का पंजाबी गाना जैगवार ते प्यार उनका फेवरेट गाना है। चलिए अब बात करते हैं नेहा की लव लाइफ के बारे में। नेहा ने पिछले साल यानी 2021 को एक पंजाबी सिंगर रोहनप्रीत से शादी कर ली। नेहा अक्सर सोशल मीडिया पर रोहनप्रीत के साथ मस्ती और अपने गानों की वीडियो को शेयर करती रहती है जो उनके फैंस को बेहद पसंद आती है। इसके अलावा नेहा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपने फैंस के लिए आए दिन कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हैं। नेहा कक्कड़ के गानों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। सिंगर्स में नेहा कक्कड़ का नाम सबसे टॉप पर आता है और नेहा कक्कड़ को उनके फैंस उनके गानों के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। फैंस को लगता है कि नेहा कक्कड़ जो गाने गाती है उसमें एक अलग तरह का फील होता है और फैंस उन्हें अपनी ज़िंदगी से मैच करते हैं। इन्हें
अपने गानों के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें साल 2015 में इन्हें सुपर चॉइस म्यूजिकल अवार्ड मिला, साल 2020 में मिर्ची म्यूजिक अवार्ड मिला, साल 2019 में व्यूवर्स चॉइस सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड मिला और जी रिश्ते अवार्ड भी नेहा कक्कड़ अपने नाम कर चुकी हैं। इसके अलावा भी नेहा कक्कड़ को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। नेहा कक्कड़ के इतने सारे गाने हैं जिन्हें गिनना मुश्किल है और उनमें से कई गाने ऐसे भी हैं जिन्हें फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो आज भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। नेहा कक्कड़ ने कलर्स पर आने वाले मशहूर शो का शीर्षक गीत भी गाया है, जिसके बोलते नाना इस देश मेरी लाडो, और पंजाबी में उनके दो गाने सबसे ज़्यादा पसंद किए गए थे, जिसके बोल थे जैगवार ते प्यार और वे रंजा विमाहिया। फिलहाल नेहा कक्कड़ जी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो सारे गामा पा लिटिल चैंप्स के सीजन 6 में जज के तौर पर नजर आती हैं। नेहा कक्कड़ लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस वायरल हुआ करती हैं और सोशल मीडिया पर वो बताती रहती है कि जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना है। इसके अलावा नेहा कक्कड़ ने बॉलीवुड में कई एक के बाद एक हिट गाने दिए हैं और वो कई तरह के लाइव शो भी कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, वो जगराता में भी कर चुकी हैं और नेहा के 1000 से भी ज़्यादा लाइव शो हैं। YouTube पर भी उनके करोड़ों फैंस हैं। YouTube पर उनके फैंस लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, क्योंकि नेहा कक्कड़ हिंदी सिनेमा की सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिंगर्स में से एक मानी जाती हैं। नेहा कक्कड़ जब वो 11वीं में थी, महज जब 11वीं की कक्षा में थी, छोटी सी उम्र में उन्होंने एक रियलिटी शो में भाग लिया था और इसके बाद उनका गाने की तरफ झुकाव बढ़ गया और झुकाव की वजह से उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई। 2006 के टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल 2 में नेहा ने भाग लिया था। नेहा कक्कड़ के गानों को बॉलीवुड में भी काफ़ी ज़्यादा जगह दी जाती है और फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो नेहा कक्कड़ से जुड़ी ये कहानी यहीं तक।